भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायिका इंदौरा रीता धीमान द्वारा की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने विधेयक के समर्थन में भाग लिया और नारे लगाए। इस मौके पर लोगों को विधेयक के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। विधायिका रीता धीमान ने अपने संबोधन में कहा कि यह बिल हिंदुओं और हिंदुस्तान में स्थायी अन्य समुदाय के पक्ष में है, अतः इस बिल के आने से किसी भी स्थानीय हिंदुस्तानी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह नागरिकता बिल नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। जो लोग बाहरी देशों से जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि पड़ोसी देशों में सताए गए हिंदू हिंदुस्तान में आ गए हैं, किंतु आज तक उन्हें ना तो नागरिकता मिल पाई, ना ही उनके राशन कार्ड बन पाए और उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हैं, यह बिल उन्हें स्थायी बनाने के बारे में है। वहीं जहां 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 23% थी, वह 2011 में घटकर मात्र 3.7 रह गई, जो कि चिंता का विषय है। वहीं मुसलमानों को इससे बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश संवैधानिक मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर मुस्लिम उत्पीड़न नहीं होता है, इसलिए उन्हें इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया, अतः किसी से भेदभाव नहीं किया गया है, किंतु नाजायज तौर पर आए घुसपैठियों को यहां से बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला कांगड़ा अध्यक्ष राणा ने कहा कि 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने एक सभा में खुले तौर पर कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वह वहां निवास नहीं करना चाहते हैं उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना सरकार का कर्तव्य है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल बनाकर गांधी जी के वचन को सत्य करके महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। भारतवर्ष ने उसका पालन किया और जे हमारे महात्मा गांधी जी ने जे उन दिनों जे एक निर्णय लिया था कि इस के इसका एक बिल बनाया जाए और वो पार्लियामेंट में आए और उनको नागरिकता प्रदान की जाए, जो उसका नाम था पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और अब मोदी सरकार जो राष्ट्रपति सरकार आई है उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं जोड़ा, उसी बिल को वैसे ही उन्होंने बाहर रखा और वो बिल संसद में राज्यसभा में भारी बहुमत से पास करवा कर आज देश को वो बिल दिया है। ये जो मानवतावादी बिल है और जो मानव के हित में है और जो बेचारे प्रताड़ित लोग थे आज उनको नागरिकता मिली है, ये इसके लिए हमने मोदी जी का अपने भारत सरकार का समर्थन किया। इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।